हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखिए, गुड्स एक्सपोर्ट डिप्ड बट ऑगस्ट टेली लिफ्ट आउटलुक क्या है? इवन दो गुड एक्सपोर्ट डिक्लाइन फॉर द सेवन टाइम इन 8 मंथ्स इन सितंबर, इंडियाज वीक फॉरेन ट्रेड परफॉर्मेंस सो फार दिस ईयर अपीयर टू बी टर्निंग अराउंड एज पर डेटा रिलीज बाय द कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे, विच इंक्लूडेड रिविजन ओवर $5 बिलियन टू ऑगस्ट ट्रेड टैली. While goods export dipped 2.6% from last September to hit the 3 months low of $34.47 billion, imports dropped by a sharper 15% to $53.84 billion and were 10.4% below August updated import bill of $60 billion, which marked an 11-month high. तो अगस्त में 11 month का हाई था, आप देखिए, और उसके बाद अभी 10% डिप हुआ है आपके सर्विसेज में. आपके अगस्त गुड एक्सपोर्ट वर रैम्प्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफ $4 बिलियन टू $38.45 बिलियन, द हाईएस्ट इन 5 मंथ. जो अगस्त में, मतलब गुड्स भी और सर्विसेज भी दोनों हाई थी, ये 5 महीने के हाई पर था. एंड रिफ्लेक्टिंग अ 3.88% ग्रोथ ओवर द लास्ट अगस्त. दिस वॉज द फर्स्ट अपटेक आफ्टर 6 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. एंड कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बतरवाल एक्सप्रेस द होप दैट द सेकेंड हाफ ऑफ 2023-24 विल ब्रिंग सस्टेन्ड ग्रोथ इन गुड्स एक्सपोर्ट. तो अभी कह रहे हैं कि जो आपका गुड्स एक्सपोर्ट होगा सेकेंड हाफ में वो अच्छा होगा. देखिए रिवाइज फिगर क्या है. द रिवाइज गुड ट्रेड डिफिसिट इन ऑगस्ट टू डेट $21.65 बिलियन इंस्टेड ऑफ 10 month हाई ऑफ $24.2 बिलियन रिपोर्टेड अर्लियर. तो ये हम लोग बोल रहे थे ये हुआ, तो ये डेफिसिट है अभी आपका, ठीक है. एंड ईस्ट फर्दर टू $19.37 बिलियन इन सेप्टेम्बर, और सेप्टेम्बर में ये और कम हुआ है. द ओवरऑल गुड डेफिसिट इन सेकेंड क्वार्टर इज नाउ $59 बिलियन, जस्ट 5.6 ओवर द फर्स्ट क्वार्टर टैली. बिलाइंग इकोनॉमिस्ट फियर दैट द वीकर ट्रेड बैलेंस ओरिजिनली रिपोर्टेड फॉर जुलाई एंड अगस्त में एग्जेबरेट द कंट्रीज करंट अकाउंट डिफिसिट. तो अकाउंट डिफिसिट यहाँ पे होगा. ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस सेप्टेम्बर गुड्स एंड ट्रेड डिफिसिट वॉज 31% लोअर देन द नेरोड द टैली ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर टू $115.9 बिलियन टू 17% लोअर देन द ईयर अगो. दिस इज बिकॉज द स्टीपर 12.2% डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स बिटवीन अप्रैल सेप्टेम्बर 23 और कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स विच आर डाउन इन इतना. एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज सेप्टेम्बर इंडिकेट माइल्ड इतना अपटेक कंपेयर टू इतना डिक्लाइन अगस्त. द फाइनल सर्विस एक्सपोर्ट इतना. सो फार दिस ईयर ऑयल एक्सपोर्ट्स हैव बीन डिक्लाइंड बट नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैव हेल्ड अप बेटर एंड ड्रॉप ओनली 6.3%. बैंक ऑफ बड़ौदा के इकोनॉमिस्ट अदिति गुप्ता ने बोला, हाउ एवर नॉन ऑयल एंड नॉन गोल्ड इम्पोर्ट्स अ प्रॉक्सी फॉर डोमेस्टिक डिमांड हैव रिमेंड वीक एंड डिक्लाइन 10% ओवर द लास्ट ईयर. टॉप मिनिस्ट्री ऑफिशियल हाउ एवर स्ट्रेस दैट द वॉल्यूम ऑफ इनबाउंड शिपमेंट्स रिमेन ना ठीक है. अमंग द मेजर द एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम ज्वेलरी इतना. अब देखिए ये तो डेली का बॉल बाय बॉल कमेंट्री है, ये इससे हमें मतलब नहीं है. अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे हमने देखा आपका अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, और ये कौन सा है, करेंट अकाउंट है. करेंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री का, ठीक है. इसमें आप देखिए ट्रेड डेफिसिट भी पढ़ना है हमें. सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो देश है आपका पैसा अंदर कम आ रहा है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है क्योंकि आपका इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है और एक्सपोर्ट आपका डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर डॉलर अंदर कम आ रहा है और यहाँ से रुपीज़ डॉलर बाहर ज़्यादा जा रहा है. तो पैसा जब बाहर जा रहा है तो कंट्री कहीं ना कहीं वीक होती है, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है. और आप देखिए ये वॉल टू वॉल कमेंट्री हमें नहीं देखना है, बस हमें देखना है कि अभी डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछता है. बस हमें ये टर्म्स, अगर आप ये पढ़ो आर्टिकल आपको इसके टर्म्स पता होने चाहिए क्या बात हो रही है. और गुड्स की बात में आप समझ गए गुड्स, सर्विसेज की बात में आप समझ गए सर्विसेज. तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स.